गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम। नाउ थीम थर्ड फ्रॉम हिस्ट्री, थीम थर्ड एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट। आई इंट्रोड्यूस्ड ऑलरेडी टू ऑल ऑफ यू टू डेज बैक, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूं रोमन एम्पायर के बारे में। आज हम उससे आगे, आई वुड लाइक टू टेक इन फर्दरेंस ऑफ द प्रीवियस इंट्रोडक्शन, पिछले जो आपने परिचय पढ़ा था उससे हम आगे पढ़ेंगे। और ये आपका जो टेक्स्ट बुक है, हमने पढ़ा था टेक्स्ट बुक से हम लेंगे, और पेज नंबर 59, आपकी बुक का पेज नंबर 59, यहां से हम शुरू करेंगे आपसे, यहां से आपका स्टार्ट है। तो तीन कॉन्टिनेंट पर वो कौन सा राज्य था, वो कौन सा एम्पायर था जो फैला हुआ था, उसका नाम आपको पता है, दैट वाज रोमन एम्पायर। इट लास्टेड, रोमन एम्पायर लास्टेड ऑलमोस्ट 7 सेंचुरीज, 7 सेंचुरी तक, 6 एंड ए हाफ, लेकिन रफली इसको हम कहते हैं कि 7 सेंचुरी तक ये रोमन एम्पायर चलता रहा, अलग अलग एम्परर्स के अंडर में। हंड्रेड्स ऑफ एम्परर्स केम एंड रेंड, आए और उन्होंने राज किया ऑफ देयर ओन विद देयर पॉलिसीज, अपने अपने तरीके से किया, उनके बारे में हम जानेंगे इसमें, ओके। और इसका सोर्स, रोमन इतिहास का सोर्स हमें कहां से मिला, आप एक नंबर वन तो है टेक्स्ट, है ना, किताबों से मिला हमको, लाइब्रेरीज मिली हमको, दूसरा था डॉक्यूमेंट, और तीसरा है जो आप सुन चुके हैं मटेरियल रिमेन्स, ठीक है, उस वक्त के सिक्के कॉइन्स हैं, उस वक्त की बिल्डिंग, उस वक्त की लाइब्रेरीज, है ना, ये आपके मटेरियल रिमेन्स में आते हैं। अच्छा, अब इस पर आप फोकस करें, ध्यान दें, तो यहां से आपको पढ़ाता हूं, कुछ मेन मेन चीजें लूंगा, ठीक है, उनको आप समझने की कोशिश करें। टू पावरफुल एम्पायर, दो महान ग्रेट जो साम्राज्य थे वो कौन कौन से थे, आपको मालूम है, रोमन एंड ईरान। एक ईरान था उस जमाने का, सुपर पावर कहलाते हैं, सुपर पावर कहलाते हैं रोमन एम्पायर और ईरान, ठीक है। अभी ग्रेट टू पावरफुल एम्पायर रूल ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, मोस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ईस्ट पर भी। तो ये रोमन एम्पायर था जिसका इन थ्री कॉन्टिनेंट पर राज था, और ये राज लगभग 7 सेंचुरी तक रहा, ठीक है, यहां तक हमने कहा। इन द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इन द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके अराउंड, इसके आसपास इनका रूल था, उसके आसपास इनका रूल जो है वो स्टार्ट हुआ, इनके जन्म इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 7th सेंचुरी, और 7th सेंचुरी का अर्ली पार्ट मतलब स्टार्टिंग, आप ये कह सकते हैं कि 6th सेंचुरी तक बहुत अच्छा रूल चला। 7th सेंचुरी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक तरह से लास्टिंग इंप्रेशन था इनका रोमन्स का। नेक्स्ट आता है, और ये 630 पर, 630 के आगे तक ये चलता रहा, लगभग 7th सेंचुरी के अराउंड रोमन एम्पायर। फिर कहते हैं टू एम्पायर्स वर दोज ऑफ रोम, इसमें रोम और ईरान ये दो बड़े साम्राज्य थे उस जमाने के, द रोमन एंड ईरान, ये रोमन जो थे ईरानियन थे, ये आपस में राइवल थे क्योंकि सुपर पावर थे, इसलिए आपस में प्रतिद्वंदी थे। और ये दोनों एम्पायर सेपरेटेड थे, देयर एम्पायर बाय नेक्स्ट टू ईच अदर, ये दोनों एम्पायर बराबर से थे, एक तरह से पड़ोसी थे, और ये किससे सेपरेट होते थे, सेपरेटेड ओनली बाय ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, बीच में एक जमीन थी, एक नैरो स्ट्रिप, एक पट्टी थी, जमीन की दूर तक जाती थी, और किसके सहारे थी, यूफ्रेट्स रिवर के बराबर एक पट्टी थी, ये पट्टी और ये रिवर इन दोनों को डिवाइड करती थी, इन दोनों एम्पायर को डिवाइड करती थी, इधर रोमन और इधर ईरान, ईरान अलोंग द रिवर यूफ्रेट्स। अब इसके बाद सेकेंड पैरा पे देखेंगे आप,
अगर आप मैप में देखें, मैप देखना बहुत कंपलसरी है, मैप से बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लोर होंगी, आपकी समझ में आएंगी। मैप को देखें तो क्या देखेंगे आप, यू विल सी दैट द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो महाद्वीप हैं, आर सेपरेटेड बाय ए सी, इन दोनों के बीच में समुद्र है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट और इधर अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट, बीच में एक सी है, उसका नाम क्या है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर है, ये इन दोनों को अलग करता है और ये रोमन एम्पायर का हार्ट कहलाता है, दिल कहलाता है, ठीक है। स्ट्रेच इज ऑल द वे फ्रॉम स्पेन टू द वेस्ट ऑफ सीरिया इन द ईस्ट, ये इसकी बाउंड्रीज है, यहां से यहां तक फैला हुआ है। इसके बाद आता है दिस सी इज कॉल्ड, इस सी का नाम है जो मैंने आपको बताया अभी, मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद है एंड इट वॉज द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर का ये दिल कहलाता है, दिल कहलाता था। इसके बाद आता है नॉर्थ, अगर आप इसके नॉर्थ में जाएं, रोमन एम्पायर के नॉर्थ में जाएंगे तो क्या लगता है, दो रिवर्स के यहां पर नाम आए हैं, द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर वर फाउंड बाय टू ग्रेट रिवर्स, दो महान नदियां, अगर आप नॉर्थ में जाएंगे रोमन एम्पायर के नॉर्थ में दो रिवर्स हैं, एक का नाम राइन रिवर है, राइन रिवर, दूसरा नाम है डेन्यूब, ये मैप में देखेंगे आप, राइन और डेन्यूब, ये नॉर्थ बाउंड्री है इसके रोमन एम्पायर की, वहां ये दोनों नदियां इसको अलग किए हुए हैं दूसरे कॉन्टिनेंट से। और साउथ में जाएंगे आप बाय द लार्ज एक्सटेंस ऑफ सहारा डेजर्ट, और आप साउथ में जाएंगे रोमन एम्पायर के तो कौन सी बाउंड्री आ जाती है, सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान, कहां का ये, नॉर्थ अफ्रीका का है। दिस वॉज वाई स्टेट ऑफ टेरिटरी वॉज द रोमन एम्पायर, तो ये बिग एंड वास्ट इलाका है, साम्राज्य है रोमन एम्पायर का, ये बाउंड्रीज है। इसके बाद आता है ईरान के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा है आपको, ईरान कंट्रोल द होल एरिया साउथ ऑफ कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी, समुद्री कैस्पियन सी आप मैप में देखेंगे, इसको वहां लोकेट करें तो वहां देखेंगे इसके साउथ में ईरान का कंट्रोल है, ईरान जो सुपर पावर है था टू द ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और कहां तक है, ईस्टर्न अरबिया तक है ईरान का, एंड समटाइम लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, और कभी कभी अनेक बार ऐसा हुआ कि ईरान ने अफगानिस्तान के अनेक हिस्सों पर, अनेक हिस्सों को कैप्चर किया, वो भी इसके हिस्से रहे हैं, और कभी कभी उसके हाथ से निकल भी गए हैं, इसलिए यहां पर इसने यूज किया है समटाइम्स, कभी कभी, एज वेल एज दोज सपोर्टर्स। किस तरह से ईरान और रोमन एम्पायर के बारे में, इसके बाद आता है अर्ली एम्पायर। अब ये अर्ली पीरियड ऑफ रोमन एम्पायर स्टार्टिंग है, आपने सुना था उसको 14 सीई जो कॉमन ईयरा था तब स्टार्ट हुआ था, दो भाइयों ने रोमुलस एंड रेमस, उन दो भाइयों ने स्टार्ट किया था, जिनके नाम पर एक कॉलोनी स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, है नहीं, कौन सी रिवर थी, टाइबर, टाइबर रिवर के लेफ्ट साइड, वहां से शुरू होता है रोमन एम्पायर। और फिर अलग अलग जो पहला वहां का राजा था उसका नाम आता है ऑगस्टस, ऑगस्टस नाम के रूप उन्होंने वहां पर स्टार्टिंग किया, ऑगस्टस भी थे, और एक और राजा थे सिकंदर द, एलेक्जेंडर द ग्रेट, उनका भी नाम आता है, ऑगस्टस का फर्स्ट रूलर था। अब इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, पेज नंबर 60, अर्ली एम्पायर। द रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। अब देखिए रोमन एम्पायर को क्योंकि 7 सेंचुरीज में 700 साल, लगभग 700 साल में ये फैला हुआ है, तो इसको डिवाइड कर दिया हिस्टोरियन ने। तो पहला जो पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है, जो 3 सेंचुरीज है, उनको कहा गया है अर्ली फेज, और उसके बाद का जो फेज है उसे कहा गया लेट फेज। इस तरह से डिवाइड कर दिया हिस्टोरियंस ने ताकि उनको इसका इतिहास को समझाने में, लिखने में आसानी हो। ओके, यहां तक हो। अब इसके बाद नेक्स्ट पैरा हम लेंगे, इसके बाद कहता है कि ए मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू सुपर, इन सुपर पावर्स में जो एक बड़ा अंतर है, जो अंतर था, और उनके रेस्पेक्टिव एम्पायर में वॉज दैट द रोमन एम्पायर वॉज कल्चरली मच मोर, जो रोमन एम्पायर था वो ईरान की अपेक्षा सांस्कृतिक रूप से कल्चरली बहुत ज्यादा समृद्ध था, प्रोफेसर था, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का आर्किटेक्ट और डिफरेंट यहाँ के आर्किटेक्चर, यहाँ के मॉन्यूमेंट ईरान से कहीं बेटर हैं, ये देखा गया अध्ययन ऑफ द ईरान। अब ईरान में, अब ये ईरान की बात करता है, द पार्थियंस एंड द
पहले तो पार्थियन ईरान में रहा करते थे, ये कम्युनिटी समुदाय पार्थियन। दूसरा आता है ससानियंस, ये भी पार्थियंस के बाद ससानियंस आ गए, एंटर हो गए ईरान में, उनका राज चला, उनका रूल चला वहां पर ईरान में। ठीक है, ये वो डायनेस्टीज, ये वो खानदान है, ये वो वंश है दैट रूल ईरान इन दिस पीरियड, जिसने ईरान पर राज किया। कौन कौन से थे वो डायनेस्टीज? नंबर वन पार्थियंस, नंबर टू ससारियंस, ये टू डायनेस्टीज हैं कहां की? ईरान की, जिसने ईरान पर रूल किया। नेक्स्ट आता है द ईरान द रोमन एम्पायर। अब इसके बरक्स, इसके अपेक्षा, इसके विपरीत जो रोमन एम्पायर है, कंपेरेटिव स्टडी हो रही है ईरान और रोमन की। बाई कंट्रास्ट वॉज ए मोज़ेक ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर दैट वर चीफली बाउंड टूगेदर बाई ए कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, रोमन के बारे में कह रहा है कि रोमन जो था अनेक छोटे बड़े मोज़ेक कहते हैं छोटे बड़े जो प्रोविंस थे, सबसे मिलके ये बना हुआ था। छोटे गांव भी थे, प्रोविंस भी थे, छोटे स्टेट भी थे, उनसे ये मिलजुल कर ये बना था और इस पर एक गवर्नमेंट का राज था, एक सरकार इस पर राज करती थी। और राम इसके बाद कहता है रोमन एम्पायर कॉमन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, मेनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन। अच्छा, रोमन के अंदर अनेक लैंग्वेजेस बोली जाती थी, कई तरह की, क्योंकि इतना बड़ा था, जैसे आपका इंडिया इतना ग्रेट कंट्री है, यहाँ पर हर लैंग्वेज बोलने वाला आदमी रहता है, उर्दू बोलता है, हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, कितनी लैंग्वेजेज हैं, 13-14 लैंग्वेजेज हैं आपके इंडिया में, क्योंकि कंट्री वास्ट है और ये इससे ही बड़ा, इसलिए यहाँ पर अनेक मेनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन बट पर्टिकुलरली टू लैंग्वेजेस वर प्रोमिनेंट, नंबर वन ग्रीक, नंबर टू लैटिन। ग्रीक और लैटिन ये दो लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा बोली जाती थी, इनमें काम काज होता था। ये हम इस पैसेज में, इस पैसेज के थ्रू आप इन चीजों को जान रहे हैं। लैटिन एंड ग्रीक वर द मोस्ट वाइडली स्पोकन, इनका यूज होता था। इंडीड द ओनली लैंग्वेजेस, सही मानों में ये दो लैंग्वेजेस ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी। द अपर क्लास ऑफ द ईस्ट, अच्छा ईस्ट और वेस्ट, रोमन एम्पायर को आप डिवाइड कर लें अपने इमेजिनेशन में ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट पार्ट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी और वेस्ट पार्ट में कौन सी लैंग्वेज बोली, इसको भी आप ध्यान रखें। ये कह रहा है कि ग्रीक वर द मोस्ट वाइडली यूज, द अपर क्लासेस ऑफ द ईस्ट स्पोक, ईस्ट के जो अपर क्लासेस के लोग थे, अच्छी जाति के लोग थे, वो क्या बोलते थे, ग्रीक बोला करते थे, वो ग्रीक लैंग्वेज बोला करते थे। एंड ऑफ द वेस्ट, जो वेस्ट के लोग थे, जो पश्चिम के लोग थे, वो लैटिन बोला करते थे, लैटिन लैंग्वेज बोल। एंड द बाउंड्री बिटवीन दीज ब्रॉड लैंग्वेजेस एरिया रैन समवेयर अक्रॉस द मिडिल ऑफ द मेडिटेरेनियन, और एक तरह से जो भूमध्य सागर है, जो इसका दिल कहलाता है, मेडिटेरेनियन सी, बस इसको, इसी के आसपास के लोग इस तरह की लैंग्वेजेस यूज किया करते थे, ईस्ट और वेस्ट, और ये आपके जो भूमध्य सागर के आसपास का जो एरिया है वो। फिर कहते हैं बिटवीन द अफ्रीकन प्रोविंसेस ऑफ द, इसके बाद हम लेंगे थर्ड पैरा। यहां तक इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको समझा दी, अब थर्ड पैरा है द रिजीम। अब इस थर्ड पैरे को ध्यान से समझना, थर्ड है, फोर्थ है, ये चीजें ये सब इंपॉर्टेंट आपके हैं। द रिजीम एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑगस्टस द फर्स्ट एम्परर, ये पहला एम्पर, पैरा पहला सम्राट था, ये राजा नहीं था, ये सम्राट था, जिसका नाम था ऑगस्टस। किसने सबसे पहले रिजीम, अपनी हुकूमत, अपना पावर एस्टेब्लिश किया? ऑगस्टस नाम, ठीक है। बट फॉर द पर्पज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन प्रशासन के लिहाज से, हुकूमत के लिहाज से, राजकाज के लिहाज से, क्या, हाँ, उसने इसको रिजीम वॉज कॉल्ड द, यस, फॉर द एम्परर इन 27 BC। यस, इसको मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं आगे स्किप कर गया था एक लाइन को। इन 27 BC वॉज कॉल्ड द प्रिंसिपेट, इस रिजीम को जो ऑगस्टस ने एस्टेब्लिश की थी, इसका नाम था, वहां की लैंग्वेज में इसको प्रिंसिपेट कहा करते थे। प्रिंसिपेट का मतलब एक टर्म है जिसका यूज था रिजीम, एक पावर, एक हुकूमत, एक साम्राज्य, जिसका मीन, और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी प्रिंसिपेट, इसका जो नाम दिया गया 27 BC।
बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा एरा ऑल दो ऑगस्टस वाज द सोल लीडर। हालांकि जो ऑगस्टस था साम्राज्य था सम्राट था ये सोल लीडर था। सो का मतलब एब्सोल्यूट लीडर था ठीक है रूलर था एंड द ओनली रियल सोर्स ऑफ ऑथोरिटी और ऑथोरिटी भी ये वन एंड ओनली था कौन ऑगस्टस। लेकिन क्या कह रहे हैं आपको आगे ऑथोरिटी द फिक्शन वाज केप्ट अलाइव। लेकिन एक फिक्शन एक इमेजिनरी बात जिसको अभी भी इन्होंने कंटिन्यू रखा वो क्या है फिक्शन अलाइव दैट ही वाज एक्चुअली ओनली द लीडिंग सिटीजन। अब देखो इस चीज को समझना है आपको लीडिंग सिटीजन यहां पर ये जो आपका रोमन है रोम जो है रोम के अंदर स्टार्टिंग में ठीक है क्या था मोनार्की थी राजा राज करता था ठीक है। उसके बाद फिर रिपब्लिक आया मोनार्क को हटा दिया गया वहां के लोगों ने इसको आउस्ट कर दिया और मतलब इसको एबोलिश करके उन्होंने रिपब्लिक एस्टेब्लिश कर दी। तो रिपब्लिकन पीरियड काफी टाइम तक रहा ठीक है। लेकिन जब एम्परर आया जब सम्राट आया तो उसने जो वैल्यूज थी किसकी रिपब्लिकन कंट्री की जो वैल्यूज थी कुछ हद तक उसने अपने शासन में भी उनको मेंटेन रखा उनका सम्मान किया उनकी इज्जत की। जैसे यहां पर एक नाम आता है सीनेट। सीनेट का मतलब बिल्कुल इस तरह से एक पार्लियामेंट की तरह होती है ठीक है जो राजा के लिए शहनशाह के लिए अपने रूल्स बनाती है रेगुलेशन बनाती है उससे कॉन्टेक्ट करती है नहीं ऐसा मीटिंग करके और ये जो रूल निकालते थे सीनेट जो निकालती थी वो राजा को मानना होता था सम्राट को मानना होता था। तो इसने क्या किया ऑगस्टस ने उस रूल को उस फिक्शन को कायम रखा ठीक है उस फिक्शन को कायम रखा उसको खत्म नहीं किया और ये अपना साम्राज्य भी चलाता रहा और इसने सीनेट के रूल्स को भी फॉलो किया ठीक है। ये आपको बताना चाहते हैं तो लीडिंग सिटीजन। अब ये आपको मालूम है कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है जैसे आपका इंडिया रिपब्लिक है आपका इंडिया डेमोक्रेटिक है। तो रिपब्लिक में क्या होता है रिपब्लिकन कंट्री में पहला जो नागरिक होता है जो फर्स्ट सिटीजन होता है वो प्रेसिडेंट हुआ करता है वो राष्ट्रपति हुआ करता है पहला सिटीजन वो कहलाता है। इसी तरह से जो ऑगस्टस था अपने आप को लीडिंग सिटीजन फर्स्ट सिटीजन ऑफ रोम कहलाए जाने के पर्पज से उसने सीनेट के पावर्स को और इसके सम्मान को बरकरार रखा ठीक है ना ये कहना चाहता है सीनेट को उसके फॉर द सीनेट। इसके बाद ये द बॉडी विच वाज ये सीनेट क्या थी आप पढ़ चुके हैं सीनेट एक वो बॉडी है जो रोम पर अर्लियर रोम पर स्टार्टिंग के जो रोम पर उस पर कंट्रोल किया करती थी। सीनेट वो बॉडी है इन द डेज व्हेन इट वाज ए रिपब्लिक तब जब रोम रिपब्लिक था उस वक्त सीनेट अपना फुल फ्लेश था और ये अपना काम करता था। इसके बाद है द सीनेट हैड एग्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरी और ये सीनेट सदियों तक कायम रही और अपना काम करती रही ठीक है। रमन एंड इसके बाद आता है देयर आफ्टर इटालियन बीन एंड द रिमेंड रिपब्लिक और द सीनेट हैड एग्जिस्टेड टू रोम फॉर सेंचुरी एंड हैड बीन एंड रिमेंड ए बॉडी रिप्रेजेंटिंग द एरिस्टोक्रेसी और एम्परर की जो एरिस्टोक्रेसी थी एरिस्टोक्रेसी जो वेल टू डू लोग वेल्दी लोग जो होते थे वो कहलाते थे एरिस्टोक्रेटिक। यही लोग सीनेट के मेंबर्स हुआ करते थे सीनेट के मेंबर जो होते थे वो एरिस्टोक्रेसी के जो मेंबर होते थे उनमें से ही लिए जाते थे सीनेट के मेंबर्स और ये मेंबर्स हंड्रेड्स ऑफ हुआ करते थे। बाद में टू सेंचुरी इन थर्ड सेंचुरी में ये जो मेंबर्स थे रिप्लेस होकर इटालियन जो लैंड ऑनर्स थे वो आ गए थे इटालियन जो लैंड ऑनर्स थे वो मेंबर बनने लगे थे किसके सीनेट के और इससे पहले कौन थे थर्ड सेंचुरी से बिफोर वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लोग हुआ करते थे। तो ये सीनेट के मेंबर्स में जो चेंज आया वो हमने इसमें देखा। ग्रीक वर रिटन बाय द पीपल सीनेट ऑफ रोम इस साइड से। अब हम लेंगे 1 2 3 अब 4 ये जो पैरा नंबर 4 है इसको हम देखेंगे इसमें जो मेन चीज थी वो आपने समझ ली। अब कह रहा है कि नेक्स्ट टू द एम्परर एंड द सीनेट। अब देखिए टॉप पर कौन था सीनेट टॉप पर कौन था एम्परर साम्राट सम्राट के बाद कौन आया सीनेट
ये पैकिंग ऑर्डर है, सीनेट है। अब सीनेट के बाद जो नेक्स्ट जो पावरफुल बॉडी है वहां की, वो है आर्मी। अब आर्मी के बारे में आप सुनेंगे थोड़ा और ध्यान से। आर्मी थी, इसके बाद आता है आर्मी, अनलाइक द आर्मी। अब ये जो आर्मी थी रोमन की, ईरान की आर्मी की तरह नहीं थी। ईरान की आर्मी जो होती थी वहां पर कंपलसरी था हर फैमिली के लिए कि कोई ना कोई एक दो मेंबर्स आर्मी के अंदर या मिलिट्री के अंदर रिक्रूट करना कंपलसरी था। मतलब आर्मी में शामिल होना हर फैमिली से कंपलसरी था, ऐसा रूल था ईरान में। लेकिन रोमन जो एम्पायर था यहाँ पर 25, यहाँ पर बकायदा प्रोफेशनल था, ये एक प्रोफेशन था, बकायदा वैकेंसी निकलती थी और उसमें सोल्जर्स को, मिलिट्री मैन को रिक्रूट किया जाता था, उसकी भर्ती की जाती थी और वो 25 साल तक 25 ईयर्स तक अपनी सर्विसेज रेंडर किया करता था। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस बताया इसमें 25 ईयर्स तक सेपरेट। इंडीड द एग्जिस्टेंस ऑफ द पेड आर्मी वॉज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का ये एक विशेष फीचर है, विशेष विशेषता है कहाँ की, रोमन एम्पायर की, तो वहां की आर्मी पेड आर्मी हुआ करती थी, उसको भुगतान होता था, बकायदा उसकी सैलरी मिला करती थी, उसको 25 ईयर तक जॉब में रहना होता था, सर्विस देना होती थी और बहुत सी चीजें और बहुत से पावर उसको दे रखे थे। मतलब ये कह सकते हैं आप, एम्परर एग्जिस्ट करता था विद द पावर ऑफ आर्मी, क्योंकि लड़ने वाले ये हो गए। और उस वक्त जो आर्मी थी इस शहंशाह की, इस एम्परर की, वो 6 लाख थी, 6 लाख, 6 लाख रोमन आर्मी के लगती उस दौर के अंदर 6 लाख सिपाही थे इनकी आर्मी थी। आर्मी वॉज द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज बॉडी इन द एम्परर 6 लाख बाई द फोर्थ सेंचुरी, चौथी सेंचुरी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकल गए, फोर्थ सेंचुरी के अंदर कितनी आर्मी हो गई थी, 6 लाख, 6 लाख आर्मी थी इसकी, आर्मी मैन थे इसके अंदर। लेट द पावर टू डिटर्मिन, और इतनी बड़ी सेना एक तरह से ये किंग मेकर हुआ करते थे, एम्परर मेकर हुआ करते थे, ये पूरी सेना जिसको चाहती थी बैठाती थी, इतना पावर इसको दिया हुआ था और ये इतनी धीरे धीरे इतनी ऑटोनोमस बॉडी हो चुकी थी। कभी कभी ये अपने एम्परर के अगेंस्ट भी हो जाया करते थे, कभी कभी ये सेना डिवाइड भी हो जाती थी आपस में, यानी इसमें से कुछ लोग फेवर करते थे एम्परर का और कुछ अपनी पार्टी बना के, एक ग्रुप बनाकर लड़ा करते थे, ऐसा भी इतिहास में लिखा है। इसके बाद आता है द सोल्जर्स वुड कॉन्स्टेंटली एजिटेट फॉर द बेटर। जो सिपाही होते थे अपनी तनख्वाहों के लिए, अपनी सैलरीज के लिए कंटिन्यू एजिटेट करते थे, एजिटेट मतलब प्रदर्शन करना, आंदोलन चलाना, वो किया करते थे। और दिस एजिटेशन, ये आंदोलन, ये एजिटेशन, ये प्रदर्शन ऑफन टुक द फॉर्म ऑफ म्यूटिनी। म्यूटिनी कहते हैं विद्रोह, अक्सर एक बड़े विद्रोह के, अक्सर ये चीज एक बड़े विद्रोह के अंदर बदल जाया करती थी। किनकी, इन मिलिट्री मैन की, इस आर्मी इस हद तक उग्र हो जाया करती थी, रिवोल्ट करती थी, एक म्यूटिनी का रूप, एक बड़े विद्रोह का रूप ले लिया करती थी। इफ द सोल्जर्स फेल्ट लेट डाउन डिसअपॉइंट, अगर सिपाही अपने इंसल्ट फील करते थे या अपने आप को ऐसा फील करते थे, तो ये सारे लोग होते यूनाइट होकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट, एम्परर के अगेंस्ट खड़े हो जाते थे। ये सेना, इसको जनरल सॉरी इवन द एम्परर, है ना, अपने सेनापति के खिलाफ खड़े हो जाते थे या अपने जो एम्परर होता उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। अगेन अवर पिक्चर ऑफ द रोमन आर्मी डिपेंड्स लार्जली ऑन द वे दे वर पोर्ट्रेट बाय द हिस्टोरियंस विद सेनेटोरियल सिंपैथीज। अब तक 4th century तक जो सीनेट है और जो सेनेटोरियम जो बातें होती थी, उनके रूल्स होते थे, जो उनकी सिंपैथियां होती थी वहां के एरिस्टोक्रेटिक लोगों जब, या इटालियन जो लैंड ओनर्स थे जो उसके मेंबर हुआ करते थे सीनेट के, उनको सपोर्ट करते थे। ठीक है, और ये जो होते थे कौन लोग, ये सीनेट के अगेंस्ट, कभी अनेक बार सीनेट के अगेंस्ट कौन हो जाते थे, ये आर्मी हो जाया करती थी। और ये सीनेट हेटेड, और इस तरह से जब अपना अपमान, अपना डिसरेस्पेक्ट देखती थी, कौन, सीनेट, किसके हाथों, विद द हैंड्स ऑफ आर्मी, तो ये उनसे नफरत करने लगे थे। कौन लोग, द मेंबर्स ऑफ सीनेट।
इस आर्मी के लोगों से, सीनेट हेट्रेड एंड फियर्ड द आर्मी, और आर्मी से डरा करते थे सीनेट के लोग, बिकॉज इट वॉज ए सोर्स ऑफ ऑफन, क्योंकि अक्सर क्या होता था ये आर्मी कभी भी अनप्रिडिक्टेबल, मतलब इस आर्मी के बारे में कह नहीं सकते थे ये कब हमारे खिलाफ हो जाए, कब हथियार उठा ले, ठीक है, इसलिए ये डरा करती थी सीनेट, डरने लगी थी और वॉयलेंस करते थे ये लोग, कौन लोग, ये सैनिक लोग, स्पेशली इन द टेंथ कंडीशन ऑफ द थर्ड सेंचुरी। थर्ड सेंचुरी में जब हालात खराब हो गए, खराब खराब क्यों हुए, जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, हेवी टैक्स लगा दिया वहां की मिलिट्रीज पर, वहां की मिलिट्री पर टैक्स लगा दिया, तो ये जब ज्यादा टैक्स लगाया तो वो मिलिट्री मैन वो आर्मी के लोग खड़े हो गए, थर्ड सेंचुरी की बात है, और उन्होंने एजिटेट किया, उन्होंने ब्रॉड स्केल एक बड़े पैमाने पर किया, जिससे वहां की जो एम्परर था, जब जो सीनेट थी वो हिल गई थी, काफी ज्यादा उनको वो हुआ। अब हम पढ़ेंगे इस पैरा के ऊपर आते हैं। ओके, पर द माउंटिंग मिलिट्री होगा, तो ये इसको हम नेक्स्ट इसमें लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। सो फार सो गुड, थैंक यू। ओके, ये क्वेश्चंस सामने देख लीजिए आप, ये क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। टू विच थ्री कॉन्टिनेंट्स वर सॉरी डिड द रोमन एम्पायर एक्सटेंड, ठीक है, और सेकंड है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द चीफ सोर्सेस, चीफ सोर्सेस क्या क्या है जिनसे रोमन इतिहास को लिखा गया। थर्ड है आपका नेम टू पावरफुल एम्पायर, नाम बताना है आपको, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये, इनको आप अटेम्प्ट कर लें। थैंक यू सो मच।